नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले लगभग सभी कैंडिडेट के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि इनका एग्ज़ाम कब होगा, पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा या फिर एनटीपीसी का। तो इसको लेकर आज के दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर अजमेर एडिशन में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ पब्लिश हुई है जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आज ही की न्यूज़ है, यानी 17 नवंबर की। तो ये इसकी वेबसाइट है और ये डेट देख सकते हो 17 नवंबर रविवार, अजमेर के दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर पेज नंबर यहाँ पे 7 पर ये पब्लिश हुई है। आरआरबी इस माह घोषित करेगा कार्यक्रम, परीक्षा फरवरी में संभव, ये हेडिंग है। और इसमें बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम फेब मंथ में होगा। सबसे पहले कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप विस्तृत देख सकते हो। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी और आरआरसी की ओर से आयोजित की जाने वाली ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया इस माह के अंत तक शुरू हो जाएगी। मतलब जो अभी नवंबर माह चल रहा है, तो इसके अंतिम दिनों में इसके बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा कि एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होने वाला है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस साल रेलवे में एनटीपीसी के, तो यहाँ पर बताया गया है कि 35,000 पद एनटीपीसी के थे और इसमें आपके फॉर्म आए थे एनटीपीसी के लिए 1 करोड़, यहाँ पे 26 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। और ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख जो वैकेंसी थी उसके लिए 1 करोड़ 15 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। और बोर्ड की ओर से जो पहले डेट घोषित की गई थी वो अगस्त सितंबर थी, लेकिन उसको बाद में यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था, परंतु तकनीकी परेशानी के कारण यहाँ पे भर्ती की परीक्षाएं आयोजित करने की जो एजेंसी है एजेंसी को बदलना पड़ा, जिसके कारण ये न्यू आपके एजेंसी चेंज होने के कारण जो पहले प्रोग्राम था अगस्त सितंबर में उसको कैंसिल करना पड़ा। इससे भर्ती का काम बीच में ही अटक गया। ये परीक्षाएं कब आयोजित होगी, तो इसको लेकर यहाँ पे देख सकते हो, सूत्रों के मुताबिक इस माह के अंत तक यानी नवंबर के अंत तक कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा आपका शेड्यूल। यदि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को चुन लिया गया तो जनवरी तक परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए, तो आपके एग्ज़ाम की बात करें तो शेड्यूल इस माह के अंत तक या फिर दिसंबर मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा, दिसंबर के जो मिड दिसंबर है उससे पहले आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम है आपके जनवरी और फरवरी में, एनटीपीसी का एग्ज़ाम पहला होगा जो आप देख सकते हो। बोर्ड अधिकारी के अनुसार पहले एनटीपीसी परीक्षा होगी, तो जनवरी फरवरी मंथ में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने की यहाँ पे संभावना है। इस परीक्षा के समाप्त के बाद यहाँ पे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होगा जो कि मार्च अप्रैल में ग्रुप डी, तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो 2 मंथ तो मिनिमम लगेगा ही। और क्योंकि यहाँ पे पहले की भर्ती प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसको लेकर शायद जो लोको पायलट की हैं ग्रुप डी की हैं उसकी अंतिम और भी पैनल यहाँ पे निकल रहे हैं, जिसके कारण ये डिले हो रहा है। एक यहाँ पे डिले होने का जो एजेंसी है और इसको हायर करने को लेकर डिले हो गया है। तो ये आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कब हो सकता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। और यदि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह के 2018-19 में आयोजित हुए सभी रेलवे के एग्ज़ाम, आपको डिस्काउंट डील के तहत इस वीडियो को देखने वाले सभी जो व्यूअर हैं उनको 45, वैसे ये 85 की पीडीएफ है, सभी 10 एग्ज़ाम हैं, लेकिन आप सभी के लिए ये 45 में रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट की लिंक है, पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ये देख सकते हो पीडीएफ फाइल की डिटेल। इसी प्रकार के एसएससी की जो पीडीएफ फाइल की डिस्काउंट डील है, जो 10 पीडीएफ फाइल है वो भी आपको 45 मिल जाएगी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।